अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज बहुत ही खास मौका है क्योंकि नातिया मुकाबला 2021 हम मनाने जा रहे हैं हमारे कवर्धा शहर में, जहाँ पे हमारी ऑडिशंस की पूरी तैयारी चल रही है। तो यही आइए, मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेके मंच तक ले जाता हूँ और इस कार्यक्रम की क्या क्या कड़ी है वो आपको दिखाता हूँ। तो आइए धीरे धीरे। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, तो हम सबसे पूछते जाएंगे कि वो कैसे कर रहे हैं। ये कार्यक्रम की शुरुआत है, तो आइए। यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन की सारी काम चल रही है, सारे जूनियर्स पहुँच चुके हैं, सीनियर का आने का टाइम है, कई सीनियर आ चुके हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। देन इधर इसके बाद हमारा पूरा सेटअप है, हमारे साथ साबू भाई हैं स्पेशली, तो साबू भाई भी तैयारी एज अ सीनियर पार्ट की है, तशरीफ है क्योंकि दोनों इनके बेटे और बाप दोनों का एक जुगलबंदी हम यहाँ पे देखेंगे। तो जितने लोग यहाँ पे अभी आप तैयारी देख रहे हैं, बहुत मेहनत इसके पीछे, यहाँ पर हम इतना दोस्तों कमेटी और ऐसे कंटेस्टेंट को हम थैंक यू करेंगे। खुद दो सबको भी इस तरह के मुकाबले, हम खुद आभारी हैं हमारे सलमान भाई के जो ऐसा प्रोग्राम कराया और हम जैसे लोग जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें स्टेज का मौका मिला। हम खुद इनका धन्यवाद करते हैं और इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए हम लोग स्टेज पे चलते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत मेरी जबान निधाते आफाक जब खुले शहबाज बरकाती का पहले अदब से सलाम हो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा सीरत मुस्तफा कमेटी को जो उन्होंने इस शानदार बस्म को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मजीद तरक्की अता फरमाए। जो जो गेत हैं, जो बच्चे हैं, जो नाच पढ़ने वाले हैं, वो जल्द यहाँ तशरीफ लेकर के आ जाए। इंशाल्लाह चंद ही लम्हात के बाद प्रोग्राम का आगाज हो जाएगा। आइए महफिल का आगाज तिलावते कलामुल्लाह से होने के लिए जा रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا Thank you.
मैं आपके सामने पूरी सीरत मुस्तफा कमेटी जो है वो स्टेज पर तशरीफ लेकर के आ जाए और जो बात है उसे यहाँ रखे। सुभान नाना जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ लेकर के आ जाए। सुभान नाना अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो स्टेज पर जल्द से जल्द तशरीफ लेकर के आ जाए। उम्मीद है कि दीनी बेदारी इसमें सामने आएगी और पूरे जज्बा और जोश के साथ बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर और जूनियर दो ग्रुप हैं और इस पर ये बात वाजे करना है एक मतला और एक शेर का ही मसला है तो आप हजरात से गुजारिश है कि एक मतला और एक शेर बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा और पार्टिसिपेंट जो है जो हिस्से ले रहे हैं वो लगातार पढ़ते रहेंगे तो उसके लिए बेल यानी घंटी की इंतजाम किया गया है जिसके जिम्मे घंटी बजाने की जवाबदारी होगी। कोई भी यहाँ जो नाम था पढ़ने आएंगे वो एक मतला और एक शेर बोलेंगे उसके बाद वो घंटी ऑलरेडी बजा देंगे तो नाम पढ़ने वाला समझ जाएगा कि उनका पढ़ने का वक्त पूरा हो गया है और सभी लोगों ने आपने हिस्सा लिया और बैठ करके आप लोग सब जो पढ़ने वालों के हौसला अफजाई करेंगे इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर में बहुत ही खूबसूरत नातिया मुकाबला राज्य स्तरीय हो रहा है तो इस कड़ी में आज ऑडिशन है तो जैसे कि हजरत ने बताया कि इसके नियम कानून आप सब जितने कंटेस्टेंट यहाँ बैठे हैं सब ध्यान रखें एक मतला एक शेर अगर नहीं है तो दो शेर बस पढ़े हमारे जजेस बेल बजा देंगे जहाँ पे रुकना रहेगा आपको रुका देंगे। आप सबकी दुआ चाहिए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि ये ऑडिशन के बाद एक बहुत जबरदस्त मुकाबला जो सेलेक्टेड कंटेस्टेंट है जो इस नाते मुकाबला की उनका अजीम शान जैसा मुकाबला के तौर पे हम देखने वाले हैं आप सबकी दुआ और हम सबके लिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी हौसला अफजाई चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हजरात अब प्रोग्राम का आगाज शुरू किया जाए और मैं जूनियर टीम से आरिश अली स्टेज पर आए और नाते पाक सुना करके हम सबके दिलों को मनोवा और मुजल्ला फरमाए। आरिश अली कमरदा मोहतरम रुतबा मेरे नबी का क्या पूछते हो मुझसे रुतबा मेरे नबी का क्या पूछते हो मुझसे रुतबा मेरे नबी
रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, जब खुद खुदा है पढ़ता, जब खुद खुदा है पढ़ता, खुतबा मेरे नबी का, खुतबा मेरे नबी का, खुतबा मेरे नबी का, जब खुद खुदा है पढ़ता, खुतबा मेरे नबी का, खुतबा मेरे नबी का। सोचो तो कैसा होगा, सोचो तो कैसा होगा चेहरा मेरे नबी का, सोचो तो कैसा होगा, सोचो तो कैसा होगा चेहरा मेरे नबी का, सोचो तो कैसा होगा चेहरा मेरे नबी का। है चांद से भी रोशन, है चांद से भी रोशन तलवा नबी का, तलवा मेरे नबी का, क्या पूछते हो मुझसे रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का। ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा मेरे नबी का, झंडा मेरे नबी का, ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा मेरे नबी का, ऊंचा सदा रहेगा झंडा मेरे नबी का। हर सिर पे बज रहा है, हर सिर पे बज रहा है डंका मेरे नबी का, डंका मेरे नबी का, डंका मेरे नबी आप वक्त का ख्याल रखें। और ये जो घंटी बजती है ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपका वक्त पूरा हो चुका है। सिर्फ एक मतला और एक शेर आपको पढ़ना है, जो मतला और शेर ना समझता हो सिर्फ नाते पाठ के दो शेर पढ़े और यहाँ से रुखसत फरमाए। अब मैं अगले उम्मीदवार को आपके सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ, जिनसे मेरे मुराद अयान अली कंवरदा, अयान अली कंवरदा वो स्टेज पर तशरीफ लाए और दो शेर पढ़ने के बाद यहाँ से रुखसत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। बारगाह रिसाले में झूमने को दिल पाक ना गाना पेश करें। छुपे छुपे के मेरो, छुपे छुपे के मेरो तारे ताऊ, जब याद मदी ना आता है, जब याद मदी ना आता है, छुपे छुपे मोहम्मद फैजान अंसारी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि वो आए और नाते पाक के दो शेर पढ़ करके रुखसत फरमाएं। मोहम्मद फैजान अंसारी को सलाम सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अब मैं राजा पाक के दो शेर पढ़ने जा रहा हूँ। उससे पहले आप हमें अपनी आका के बाल का जरूर पाक करना जाना पेश करें। पढ़िए पाकवा से बोला भगवान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौले ने वहां मुझे हुआ है को सल्ली सल्लु अलैहि सलाम तुम सले पर अली के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज तू बचा। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नाते पाक के दो शेर पढ़ने से पहले आप और मेरे आका के बारगाह में जरूर शेर पढ़ना चाहता हूँ। हर मरज गा 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 उतर गया पानी। हर मरज गा उतर गया पानी हर मरज गा उतर गया पानी हर मरज गा उतर गया पानी हर मरज गा उतर गया पानी। मैंने जमजम का जब पिया पानी मैंने जमजम का जब पिया पानी हर मरज गा उतर गया पानी। मैंने जमजम का जब पिया नात पढ़ने से पहले अपनी आँखा के बारे में सब झूम झूम के दुरूद पाक चाहते आते खुद दाड़ के आता पानी 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 यह से नाते के ठोके से निकलता पानी यह से नाते के ठोके से निकलता पानी। ओ क्या दिया कान पिला देता जो मेरिया पानी क्या दिया कान पिला देता जो मेरिया पानी क्या दिया कान पिला देता जो मेरिया पानी मेरे आकाश में दरिया को पिलाया पानी मेरे आकाश
चले दरिया को पिलाया पानी। सलाम वाली हाजरीन मजलिस मोहम्मद फरहान रजा को सलाम के साथ कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नाते पाक के दूसरे फटने से कबल आप और मैं अपने आका की बारगाह पर दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। पढ़िए बावाज़े बलाग अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्ली सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। खुशबू मेरी जबान ने लुटाना शुरू किया, खुशबू मेरी जबान ने लुटाना शुरू किया, लुटाना शुरू किया, लुटाना शुरू किया। खुशबू मेरी जबान ने लुटाना शुरू किया, खुशबू मेरी जबान नबी जो मैंने सुनाना शुरू किया, सुनाना शुरू किया, सुनाना शुरू किया। नाते नबी जो मैंने सुनाना शुरू किया, सुनाना शुरू किया, सुनाना शुरू किया। मुनकर नकीर ने कहा ये कौन है बता, मुनकर नकीर ने कहा ये कौन है बता, मुनकर नकीर ने कहा ये कौन है बता। आशिक ने बस दुरूद सुनाना शुरू किया, ने बस दुरूद सुनाना शुरू किया, सुनाना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए नाच पढ़ने से पहले अपनी आंखों की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करिए, पेश करें पढ़िए बावाज़े बलाग अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना आमदे सरकार है गुनगुनाती है हवा मरहबा या मुस्तफा। आमदे सरकार है गुनगुनाती है हवा मरहबा या मुस्तफा। साथ में मिलकर मेरे आप भी बोलो जरा मरहबा या मुस्तफा। साथ में मिलकर मेरे आप भी बोलो जरा मरहबा या मुस्तफा। हर फरिश्तों की जबान पर एक तराना है यही, हर फरिश्तों की जबान पर एक तराना है यही। या नबी प्यारे नबी प्यारे नबी प्यारे नबी, या नबी प्यारे नबी प्यारे नबी प्यारे नबी। पढ़ के आका पर दुरूद कहते हैं सब अंबिया, पढ़ के आका पर दुरूद कहते हैं सब अंबिया। मरहबा या मुस्तफा, आमदे सरकार है गुनगुनाती है हवा मरहबा या मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
आइए नाच पढ़ने से पहले अपने आका पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना सफीना मौलाना मुहम्मदिन व अली कोसली वसल्लतु वसलम अलैका सल्लल्लाहु तआला। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। जहरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपकी दर की हूँ मैं भिखारी, आप हैं मेरे दादा, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आपके दर मैं भिखारी, आप हैं मेरे दादा, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो हैं निभाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। अस्सलाम वालेकुम। आपके के मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, अरे तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, अरे जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, अरे जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। अब्दुल रहीम साहब सुल्ला वो जहाँ कहीं भी हो यहाँ स्टेज पर आए और नाते पाक के बोल शेर पढ़ने के बाद रुख्सत फरमाएं। अब्दुल रहीम साहब क्योंकि खतीब मौज़िम जामा मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल रहीम साहब हाजरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाते पाक सुनाने से कबल सबसे पहले मक्के के सरदार मदीने के दादार नौजवान के आका जनाब मुहम्मद मदू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झुकी हुई कर दरूद पाक की हाजिरी में सलावत पेश करें और बाब बुलंद आवाज पढ़ें। दो अशआर आपके हवाले समाप्त फरमाएं। लब पे जारी रहे ये पहचानी रहे ये सदा
मुस्तफा के जमाने में है, आपके मुस्तफा के जमाने में है, आपके मुस्तफा से एक लड़के रह गए थे मोहम्मद रजा, वो स्टेज पर आए और अपने कलाम को सुना करके जल्द रुखसत फरमाए। जूनियर गुरु मोहम्मद रजा वो लिखेंगे कि जूनियर के एक रह गए। नाते पाक में साथ है। तुझे रब ने क्या बनाया, तुझे रब ने क्या बनाया, रब ने क्या बनाया, मक्का मदीने वाले, तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीने वाले, तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीने वाले, ये कोई समझ न पाया, ये कोई समझ न पाया, मक्का मदीने वाले, तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीने वाले, तेरा फैज़ आम जारी, तेरी जिंदगी निराली, 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 तुझे हर वली में पाया, तुझे हर वली में पाया, मक्का मदीने वाले, तुझे रब ने क्या सब तेरे लब तेरा बिहबली, तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया, मक्का मदीने वाले, तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीने वाले, मक्का मदीने वाले,
रहने वाले और नाते पाक दो शेर पढ़ने के बाद रुखसत फरमाएं अब्दुल सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते पाक चंद खास अहले सुन्नत का सितारा मुस्तफा रजा का प्यारा, अहले सुन्नत का सितारा मुस्तफा रजा का प्यारा, दौड़िए हजरतों का है हजरत वो है मेरा अमीने शरीयत, दौड़िए हजरतों का है हजरत वो है मेरा अमीने शरीयत। अगला से समाप्त कीजिए। हुक्मे मुर्शिद मिला सुन के खुश हो गए, हुक्मे मुर्शिद मिला सुन के खुश हो गए, ऐशो आराम को छोड़ कर चल दिए, हुक्मे मुर्शिद मिला सुन के खुश हो गए, ऐशो आराम को छोड़ कर चल दिए, मुश्किलें आई लेकिन ना पीछे हटे, मुश्किलें पीछे हटे, सुन्नते मुस्तफा को वो फैला गए, सुन्नते मुस्तफा को वो फैला गए। आज गुस्सा क्यों हरा है, आज गुस्सा क्यों हरा है उन पे हर कोई फिदा है, आज गुस्सा क्यों हरा है उन पे हर कोई फिदा है, जानते हो ये है किसकी मेहनत वो है मेरा अमीने शरीयत। अहले सुन्नत का सितारा मुस्तफा रजा का प्यारा, दौर के हजरतों का है हजरत वो है मेरा अमीने शरीयत। अस्सलाम वालेकुम। अगर वो तो यहाँ तशरीफ लेकर के आए और दो शेर पढ़ने के बाद रुखसत फरमाए जावेद रजा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغ العلا بكماله كشف التجاب جماله حسن جميع خصاله صلوا على رباله صلوا على رباله صلوا على رباله صلوا अलैहि वाली। बख्ता खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर, बख्ता खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर, बख्ता खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। करो मदह अहले दुअर रजा पढ़ इस बला में मेरी बला, करो मदह अहले दुअर रजा पढ़ इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा एना नहीं, सल्लु अलैहि वालिही। जा रहा हूँ दुनिया दूर से अरीबा खान को, जहाँ कहीं भी हो जल्द अज जल्द स्टेज पर तशरीफ ले आए, और यहाँ कोई भी नान पढ़ने पर आए तो इस बात को खास ख्याल रखें कि जो घंटी बजती है इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपका टाइम पूरा हो चुका है, दो शेर पढ़ें और उसके बाद वहाँ से रुखसत फरमाएं। अरीबा खान को जहाँ कहीं भी हो जल्द अज जल्द स्टेज पर तशरीफ लाए और नाते पाक के दो शेर पढ़ने के बाद रुखसत फरमाएं। घंटी का ख्याल रखें, जैसे ही घंटी आपको आवाज आए तुरंत अपने नाम को वहीं खत्म कर दें। सीनियर जज से मेरी गुजारिश है कि वो अपने कलम को रोक दें और जो वहां
को गदा बना के मदीने में डाल दे, मुझको गदा बना के मदीने में डाल दे। जो भी हुजूर को कहे अपनी तरह बसर, जो भी हुजूर को कहे अपनी तरह बसर, बिस्तर उठाए फिरते रहेंगे वो दर बदर, बिस्तर उठाए फिरते रहेंगे वो दर बदर। ऐसे मुनाफिकों को सवालिया फातिमा, वो दो सिर पड़े और यहाँ से रुखसत फरमाए। हर कोई बच्चा कोई भी आए तो वो घंटी का ख्याल रखे, घंटी बजते ही आपका वक्त पूरा हो जाएगा और आप यहाँ से तशरीफ लेकर के चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नबी वजूद आपका, या नबी वजूद आपका, हासिले बहार हो गया। या नबी वजूद आपका, हासिले बहार हो गया। आपके कदम को चूम कर, आपके कदम को चूम कर, खार खुशबूदार हो गया। या नबी वजूद आपका, हासिले बहार हो गया। आपके कदम को चूम कर, खार खुशबूदार हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं फिर बड़े पीर बेनज़ीर तुम पे दिल कुर्बान।
आज भीम के दरों से पढ़िए लम्बो करेगा मेरा नस्ल नबी ना मौलाना मोहम्मद वाले सोनी सलोली सलातु सलाम अलैका सुल्ला सुल्ला उतारे रसूला क्या हुस्ने मोहम्मद है क्या हुस्ने मोहम्मद है चेहरा हो तो बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 न खलीफ का तसव्वुर न खयाल दूर ज़ीना न खलीफ का तसव्वुर खयाल दूर ज़ीना मेरे ईश मुझको ले चल मेरे ईश मुझको ले चल मेरे ईश है मोहम्मद बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 मेरी मेरा जूस्त जो मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 मेरे दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा दवा वही मिलेगी कि दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू सजदा जहां करूं वहां काबा दिखाई दे सजदा जहां करूं वहां काबा दिखाई दे सर जो उठाऊं तो करबला दिखाई दे रब करे इसके नबी ऐसा हो दिल में आंख बंद करूं तो मदीना दिखाई दे आंख बंद करूं तो मदीना दिखाई दे कंकर शीकल का पड़वा फिर के नाम जैसे थे डूबे सूरज को लौटा फिर के नाम जैसे थे अशला तू अशला अशला तुम अशला वलैका या हबीब अल्लाह पेशानी पर दाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं पेशानी पर दाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं नस कदम पर घर भी बना फिर गहना हम जैसे थे अशला तुम अशला वलैका या अशला तू अशला वलैका या हबीब अल्लाह उनकी हर एक उंगली से ताजारी चश्मा है अली उनकी हर एक उंगली से ताजारी चश्मा है
सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरी मीना तस्वीर लेकर के आए और नाते पाक के दो शेर पढ़े और यहाँ से जो सब फरमाए। मीनाज फातिमा मीनाज मीनाज सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं क्यों ना करूँ इजहार इसके नबी, मैं क्यों ना करूँ इजहार इसके नबी, या जो साथ चल रही है सदका मेरे हुजूर का, या जो साथ चल रही है सदका मेरे हुजूर का। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, जहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया, जहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया, दोनों जहां के फूलों को खुशबू निचोड़ कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बना दो मेरी तैबा के वाली,
बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पर तस्वीर लाए और नाते पाक के दो शेर पढ़ने के बाद रुखसत फरमाए मंसूर रजा। कैमरे वाले भाई सरकार तागेपुर कटे मोहम्मद हमारे परेशान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी।
अपने मौला का प्यारा हमारा नबी मुल्के कौनन में गंभीर है ताजेदार ताजेदारों का हमारा नबी खल्क से गौलिया गौलिया से रस और रसूलों से आलम हमारा नबी सारे अच्छों से अच्छा समझ दीजिए से है उस ऊँचों से ऊँचा हमारा नबी वो सारे ऊँचों से ऊँचा समझ दीजिए से है उस ऊँचों से ऊँचा हमारा नबी गमजदों को रजा मुस्तदी दे को है बेकसों का सहारा हमारा नबी कौन देता है देने को मुझा किए देने वाला का सच्चा हमारा नबी पढ़िए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले वो यहाँ तशरीफ लेकर के आए और नाते पाक के दो शेर पढ़े और रुख्सत फरमाए मोहम्मद अनस रजा दुर्ग सबसे पहले आप तमाम हजरात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़िब बाकी चंद अशराफ सुनाने से पहले आइए हम और आप मिलकर झूम झूम कर एक बार दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक अलैह है नजर में जमाल हबीबे खुदा है नजर में जमाल हबीबे खुदा उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है नजर में जमाल हबीबे खुदा उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है नजर में जमाल हबीबे खुदा है नजर में हबीबे खुदा उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने ला कर कलामे इलाही दिया जिसने ला कर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है मेरा कर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है अगले से समझ फरमाए हमने बहुत है हसी हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी और पर ना जाए कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं क्योंकि जन्नत मदीने में मौजूद है यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं क्योंकि जन्नत मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अब मैं सीनियर ग्रुप से जूनियर की तरफ चलता हूँ और जूनियर ग्रुप से आलिया जो यहाँ पर तकलीफ लेकर के आए और दो से पढ़ने के बाद आलिया
आज तो बचाना और दीवाने को तकलीफ से दीवाना मत कहो। दीवाना बड़ा सोच के दीवाना हुआ है, मैं बोला होया भला हो मेरी लाज तो बचाना। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदरणीय मजलिस और जितने भी अहमे मसाजिद उलमा इकराम जो इस वक्त बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जजेस बने हुए हैं, और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा सीरत कमेटी कमरधार कि जिन्होंने मेहनत और काबिश करके बच्चों को यहां तक पहुंचाया। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कामयाब फरमाए और बच्चों के अंदर एक जुनून एक हौसला जिन्होंने दिया है अल्लाह उसे पाए तक मिल तक पहुंचाए। मैं नाचीज इतने बड़े बड़े जिगर उलमाए इकराम बैठे हैं और आवाज़ के मालिक भी बैठे हैं, मौलाना नईम साहब, हमारे इमरान साहब और मौलाना कारी अब्दुल्ला साहब, कारी शैफ साहब, मौलाना मकबूल साहब और हमारे करीब नवाज के जो नाज़िम आला हैं मौलाना अब्दुल वहीद साहब सल्ला, वो भी तशरीफ रखते हैं। मैं चंद शेर पहुँचा रहा हूँ और साथी के साथ आप हजरात मुराजा कर ले, और मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके सामने कुछ लबकुशाई कर सकूँ, बस नबी की नात पढ़ने की गरज से खड़ा हुआ हूँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाह सल्ली अला जहाँ भी हो सरकार सोते हैं, जहाँ भी हो वहीं। बड़ी सादगी के साथ मुनाज़रा करते, बड़ा सादा कलाम कि जहाँ भी हो सल्लल्लाहु
किसी चाहने में कोई हो मुझे वो सितारों में किसी चांदे में कोई हो आईना आईना
ये भी शेर मोहब्बत नारायण रिसालत मसलके आला हजरत इश्क महाब्बत बस्ते बस्ते करिया करिया नारे तकबीर नारे रिसालत शुक्रिया शुक्रिया मेरे हर सांसों की आहटों के साथ चलती है मेरी हर सांस मेरी हर सांस मेरी हर सांसों की आहटों के उनके वालदैन अगर हैं या नहीं है
तो ये हमारा इस्लामी फरीजा है कि हम एक दूसरे को ये पैगाम पहुंचाएं कि अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दे, अच्छा दर्स दे, अच्छी तरबियत दे, दीनी माहौल दे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इसके लिए आप बेपनाह जद्दोजहद करें और कोशिश करें। जगह जगह दीनी इदारे खोले गए हैं, मदारिस खोले गए हैं। हमारे अइम्मा की भी यही कोशिश रहती है कि बच्चों को तालीम दी जाए दीन की। तमाम उलमा भी इसी मेहनत पर लगे हैं, तमाम उफाज कुर्रा भी इसी कोशिश में लगे हैं। कोई ट्यूशन के जरिए तालीम दे रहा है, कोई इदारों के जरिए दे रहा है, कोई नेट के जरिए दीन की तालीम दे रहा है। लेकिन हमको और आपको आगे बढ़ना होगा और इसके लिए कोशिश करनी होगी। और ये सीरत मुस्तफ़ा की कमेटी की जानिब से एक शेर आपके पेश खिदमत कर रहा हूँ कि हमको शकदीर सा हौसला दीजिए, हमको शकदीर सा हौसला दीजिए और फारूक सा रहनुमा दीजिए, हमको शकदीर सा हौसला दीजिए और फारूक सा रहनुमा दीजिए। हम मुजाहिद की तलवार बन जाएंगे और हरीफ कहते हैं दुश्मन को। आज आप देख रहे हैं दुश्मनान इस्लाम कितने हैं। तो हम मुजाहिद की तलवार बन जाएंगे और हरीफों के दिल में उतर जाएंगे, और हरीफों के दिल में उतर जाएंगे। और ये तमाम उलमा की तंजीम बैठी है, ये उलमा इकराम, अइम्मा मसाजिद, मुफ्तियान इकराम, उस्ताद इकराम, कुरा इकराम तशरीफ फरमाए, इनकी जानिब से आप तमामी अवाम को ये शेर ज़हन नशीन कर रहा हूँ कि अमनो सलामती के नगमे सुनाएंगे हम, अमनो सलामती के नगमे सुनाएंगे हम, ईमान वागही की शम्मे जलाएंगे हम, और जख्मी है कल्ब दुनिया मरहम लगाएंगे हम, जख्मी है कल्ब दुनिया मरहम लगाएंगे हम, ईमान वागही की शम्मे जलाएंगे हम, और दुनिया से गुमराही की जुल्मत मिटाएंगे हम, दुनिया से गुमराही की जुल्मत मिटाएंगे हम। तो मेरी गुजारिश है कमेटी वालों से कि आइंदा जो भी प्रोग्राम हो, प्रोग्राम से एक दिन कबल तमाम उलमा की जो तंजीम है, जो कमेटी है, उनको बुलाकर इस प्रोग्राम को बाकायदा बाज़ाब्ता तरीके से तश्कील दिया जाए और उसमें इस बात का बिलखसूस ध्यान दिया जाए कि जितने पढ़ने वाले हजरात हैं, बिलखसूस बच्चे इस्लामी भाई, वो इस्लामी लिबास में आए, पैंट और शर्ट में ना आए, सरों पर टोपी हो और इस्लामी वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जब दा वजह सदकल्लाहु अज़ीम। इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दुल जलील वल करम आलिही व बारिक वसल्लम। नशा मैसी ना इसी से हर मांग रही है, दुनिया नई दुनिया की खबर मांग रही है, और मालूम नहीं तुमको पता है कि नहीं है। गौर से मेरी बात को समाज करें। नशा मैसी ना इसी से हर मांग रही है, दुनिया नई दुनिया की खबर मांग रही है, और मालूम नहीं तुमको पता है कि नहीं है, कुछ तुमसे जमाने की नजर मांग रही है। शबनम से फकत काम चला है न चलेगा, फूलों की जुबान खूने जिगर मांग रही है। मालूम नहीं तुमको पता है कि नहीं है, कुछ तुमसे जमाने की नजर मांग रही है, और शबनम से फकत काम चला है न चलेगा, फूलों की जुबान खूने जिगर मांग रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे पाक का एक टुकड़ा हमने तिलावत की है। मन जद्दा वजह, जिसने कोशिश की वो पाया,
जिसने कोशिश की वो पाए। मिर्ची मसाले मिला के बोलना मेरी आदत नहीं है, यकसुई के साथ और एक ही सुर में बोलता हूं। जी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोशिश किया वो पाए। दूसरी जगह फरमाया मन ज़ोहिका ज़हिका, जो हंसा वो हंसाए, जो हंसा वो हंसाए। मेरे प्यारे ये बज़्म इस्लाहुल लिसान की महिमा, ज़ुबान की इस्लाह की महिमा। कार्यक्रम की पूरी कड़ी में सभी स्टेज पे आके अपना नातिया मुकाबला में पार्टिसिपेट किए हैं। अब जो है लाइव जो लोग दूर हैं, शहर से दूर रहते हैं, दूसरे शहर में हैं, उनका लाइव स्टार्ट होने वाली है। तो अभी हम सभी से हमारे जैसे पहले बैठे हुए हैं, हमारे जितने सरपरस्त यहाँ बैठे हैं उनसे जा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में और क्या क्या बेहतर। हमारे सारे ऑनलाइन को फॉलो कर रहे हैं जी। अच्छी तैयारी किए हैं, अच्छे प्रयास है, अच्छे से और होते रहना चाहिए। और मैं अपने तरफ से सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और आप लोग यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम को कामयाब आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले समय में हमारी हुकूमत करेगी और इनकी हौसला अफजाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम रहा। और मैं इस पे जो प्रोग्राम यहाँ पर है, जो अभी शोहर साहब फरमा रहे थे कि जो बच्चे यहाँ आए हैं वो अपनी वजह तथा में पूरी तरीके से फोकस नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह जब प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम होगा तो उनकी वजह तथा चीज पर हमारे लिए तवज्जो रहेगी। शाही कहता है कि अभी छोटा सा पौधा है, बड़ा होगा फूल देगा। अभी छोटा सा पौधा है, बड़ा होगा फूल देगा। हमारी मौत का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। तो इंशाल्लाह आने वाले समय में और भी इस प्रोग्राम का निगरान हो पाएंगे। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब बना फरमाए और जो हम लोगों के लक्ष्य हुए या कलाम पढ़ने में रदीक में काफिले में कलाम में रिदा में जो हम लोगों ने इस्लाम की अगर हमारा कल भी खड़ा कर गया तो अल्लाह उसके लिए हमें माफ फरमाए और इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला अल्लाह की इज्जत फरमाए। अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बिलासपुर से कॉम्पिटिटर हैं वो यहाँ पे आपको लाइव आने वाले हैं, तो व्हाट्सएप पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बिलासपुर से जो ज्वाइन हो गए हैं उनको हम यहाँ देख सकते हैं, स्नेक छोटे हैं। और तो यहाँ जूनियर ग्रुप है, अपना नाम बताएंगे। सर इधर बैठिए। सर कैमरा उधर से ला लो। क्या कैमरा निकाल।
को सजाया करते हैं।
बहुत उम्दा मास्टर और इस तरीके से आप मेहनत करते हैं और अपने शहर का नाम
इस कार्यक्रम के पहलू और इस कार्यक्रम को शुरू करने की जो एक जुनून थी हमारी, जो करने का एक हमारा जो सोच है जिसके बारे में जरूर बताएं। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सभी साहब से कि नजर आए और इस कार्यक्रम के बारे में और जो भी लोग हैं उनके बारे में। आज के प्रोग्राम मुकाबले का किया था, बहुत बच्चों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहतरम इमाम की जो मदद मिली, जो साथ मिला वो हमारे इलाके को दूनी चौकी सौ उम्मीद करती है। और इंशाअल्लाह हम यही चाहते हैं कि माहौल बना रहे और दीन की तरफ रुजू हो। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम बेहतरीन रहा, कामयाब रहा, क्योंकि ये ऑडिशन का माहौल है और हम लोगों ने ज्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं किया था और फिनाले में फाइनल में इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होगा और इसके बाद भी हम आगे प्रोग्राम चलते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे पैमाने में इंशाल्लाह प्रोग्राम को अंजाम दिया जाएगा। एक जानकारी इस बार और देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का ऐसी गलतफहमी है, जानकारी है कि हमारे सीनियर मुस्तफा कमेटी नाच गाने और डांस का भी प्रोग्राम कराती है, ये पूरा पूरी तरीके से गलत है। ऐसा हमारी जो कमेटी है सिर्फ दीनी प्रोग्राम को तवज्जो देती है और इसी मकसद से ही हमारी कमेटी बनी है, तो आप लोग इसे गिला हो और किसी भी गलतफहमी से आप दूर रहें। इंशाल्लाह नाट्य का प्रोग्राम और दीनी मुकाबला का प्रोग्राम हमारी कमेटी करवाती है और आप सभी लोगों का मैं दिल से एहसान मंद हूँ कि आपने कामयाब प्रोग्राम को बनाया और आइंदा भी आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने स्थान दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे सभी बड़े साहब जो इस समिति का मकसद जो है वो बता रहे हैं और हमारा मकसद दीन को जो आगे बढ़ाने के लिए जो जो जज्बे में है, जो काम को कर रहे हैं, इसी साथ इस समिति के जो हमारे बहुत ही ज्यादा होते थे मास्टर जी हैं हमारे खान खान साहब से रिक्वेस्ट भी उन्होंने किया है और हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, देख रहे हैं, लोग टीवी पे देख रहे हैं, उन सबको दोस्तों और
जैसे कि सभी हमारे जज मैनेजमेंट का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो उन प्रतिभागियों को एक बार इन्फॉर्म कर दें ताकि वो खिलाड़ी तक पहुंच सके। और हमारे सबसे बहुत जूनियर कैटेगरी के जो टॉप हैं उनका नाम अनाउंस करने जा रहे हैं, तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडिशन का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ और बेहतरीन पार्टिसिपेशन भी रहा है। जितने भी हमारे प्रतियोगी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए उसमें हमें इस ऑडिशन के माध्यम से सिर्फ 10 प्रतियोगियों को ही चुनना है, उसका रिजल्ट मेरे हाथ में आ चुका है। मैं नाम उनका पढ़ने जा रहा हूँ। जूनियर ग्रुप 10वें स्थान पे इफ़त अलबीना, ये कबड्डी की है, इन्होंने 10वां स्थान प्राप्त किया है। 9वें स्थान पे हैं सालिहा फातिमा कबड्डी से। 8वें स्थान पर हैं अतिका कौशल। 7वीं पोजीशन मोहम्मद साहिद रजा ने हासिल की है और 6वें स्थान पर हैं हारिश शरीफ। 5वें स्थान पर हैं अहमद रजा कबड्डा से। 4वें स्थान पर अयाम अली, ये भी कबड्डा के हैं। 3रा स्थान पाया है अदीबा खान। दूसरे स्थान पर हैं इमाम मुसा, ये भी कबड्डा से हैं। और पहले स्थान पर मोहम्मद रजा कबड्डा। क्या बोले, बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको इस कैटेगरी में टॉप 10 का नाम यहां हासिल हुआ है। अब हम नेक्स्ट जो है सीनियर टॉप 10 को सीनियर जेंट्स ग्रुप 10वें स्थान पर आसिफ खान कबड्डा। 9वें स्थान पर अब्दुल सलाम कबड्डा। 8वें स्थान पर अनस रजा दुर्ग। 7वीं पोजीशन पर हैं फैजान अंसारी कबड्डा। 6वें स्थान पर हैं आमिर रजा कबड्डा। 5वें स्थान पर फैज रजा कबड्डा। 4थी जगह बनाई है जनाब आबिद मंसूरी कबड्डा। और
तीसरे स्थान पर हैं मंसूर रजा कवर्धा, दूसरे स्थान पर हैं सुमेल अशरफी कवर्धा सिलहेटी कवर्धा सुल्तान, और पहले स्थान पर शफीक व अकरम लोरमी से। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी तरह से हम लोगों ने जो बाली महिलाएं हैं उसकी क्योंकि अलग से जजमेंट हुई है और वो जजमेंट सीट यहाँ पे आ चुकी है, उन्हें भी अनाउंस करने वाले हैं। सो सर मस्कुराब में सीनियर मस्कुराब, इनमें पहला स्थान मिला है आयशा वर्धा, दूसरे स्थान पर है शमीमा खान, उनकी जगह का नाम तो नहीं दिया, शमीमा खान था। तीसरे स्थान पर है अलीजा दुर्ग से, चौथे स्थान पर हिना खान कवर्धा, पांचवें पोजीशन पे है उस्मा कटक उड़ीसा, छठवें स्थान पर अलीमुन कवर्धा, सातवीं जगह बनाई है आशिका खान उड़ीसा से, और आठवें स्थान पर आसमा दुर्ग, नौवें स्थान पर है जोहरा कवर्धा, और दसवें स्थान पर है शौकीन कवर्धा। सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इस तरह से जजमेंट की वो सभी टॉप टेन कैंडिडेट को फिनाले में आनी है, और अंत में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप में से जो भी हैं कुछ दो शब्द कुछ हैं और इस कार्यक्रम के समापन करें इस प्रोग्राम का। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम की अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबादी देना चाहूंगा उन लोगों को जिन लोगों का नाम आ चुका है, लगभग 20 लोग या 25 लोग हैं। तो जब फिनाले में वो लोग आए तो अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ अल्लाह ने अगर उनको आगे बढ़ाया है तो और भी पूरी तरीके से कोशिश करें और अव्वल नंबर का इनाम हासिल करने की कोशिश करें। तो आपको अव्वल नंबर का इनाम जरूर मिलेगा जब जब टॉप 10 में आप छट चुके हैं। अब इसके बाद और कोशिश करें, कॉम्पिटिशन आपके लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें और हमारी दुआएं हैं आपके साथ, अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप जब कोशिश करके यहाँ आएंगे तो अल्लाह आपको मुकाबला करेगा, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। बस अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी ने इतने कीमती वक्त दिए हैं, और जितने लोग यहाँ देख रहे हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ये जो टॉप टेन जो भी हमारे सीनियर जूनियर में सेलेक्ट हुए हैं उन सबको मुबारकबाद। अब हम लोग मिलेंगे आपको फिनाले में और इसी तरह से लाइव अपने मोबाइल के माध्यम से आप टीवी जो चल रही है उस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो जो एशिया न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो ये चैनल पे चला रहे हैं, और डिसेबल्ड यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप लाइव देख रहे हैं। आप इस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे जितने लोग हैं उन सबको मुबारकबाद है, उनको थैंक यू कहना चाहूंगा। हम देते हैं आपको फिनाले में और इसी तरह से आप सभी हमें बयान और सपोर्ट और दुआ कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज बहुत ही खास मौका है क्योंकि नातिया मुकाबला 2021 हम मनाने जा रहे हैं हमारे कवर्धा शहर में, जहाँ पे हमारी ऑडिशंस की पूरी तैयारी चल रही है। तो यही आइए मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेके मंच तक ले जाता हूँ और इस कार्यक्रम की क्या क्या कड़ी है वो आपको दिखाता हूँ। तो आइए धीरे धीरे। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, हम सबसे पूछते जाएंगे कि वो कैसे कर रहे हैं, ये कार्यक्रम की शुरुआत है। तो आइए यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन की सारी काम चल रही है, सारे जूनियर्स पहुँच चुके हैं, सीनियर का आने का टाइम है, कई सीनियर आ चुके हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, देन इधर इसके बाद हमारा पूरा सेटअप है, हमारे साथ साबू भाई हैं स्पेशली, तो
तो साबू भाई भी तैयारी एज ए सीनियर पार्टी है, हमें तशरीफ है क्योंकि दोनों इनके बेटे और बाप दोनों का एक जुगलबंदी हम यहाँ पे देखेंगे। तो जितने लोग यहाँ पे अभी आप तैयारी देख रहे हैं बहुत मेहनत इसके पीछे यहाँ पर हम इतना दोस्तों का कमेटी और ऐसे कंटेस्टेंट को थैंक यू करेंगे खुद दो सबको भी इस तरह की पब्लिक। हम खुद आभारी हैं हमारे सलमान भाई के जो ऐसा प्रोग्राम कराए और हम जैसे लोग जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें स्टेज का मौका मिला, हम खुद इनका धन्यवाद करते हैं और इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए हम लोग स्टेज पे चलते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरी जबान में धते आकाश जब खुले शहबाज बरकाती का पहले अदब से सलाम हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा सीरत मुस्तफा कमेटी को जो उन्होंने इस शानदार बज्म को सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मजीद तरक्की अता फरमाए। जो जो कैंडिडेट हैं, जो बच्चे हैं, जो नाक पढ़ने वाले हैं, वो जल्द यहाँ तशरीफ लेकर के आ जाए। इंशाल्लाह चंद लम्हा के बाद प्रोग्राम का आगाज हो जाएगा। आइए महफिल का आगाज इनामत कलामुल्लाह से होने दिया जा रहा है। أعوذ بالله من الشيطان